देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे अपना आप ऐसा लग रहा है जैसे शादी नहीं होती घर में, बिल्कुल वैसा लग रहा है। डार्क लिपस्टिक, ढील मिल कपड़े और आवाज़ बैठी हुई। अब देखिए, नोट करें, हर शादी के घर में यही होता है, जो जो मेज़बान होते हैं उनकी आवाज़ बैठ जाती है नींद ना पूरी होने की वजह से, एग्जर्शन की वजह से, और बहुत सारे जो मेहमान आए हैं उनके सवालों के जवाब देने की वजह से। सवालों के जवाब देना, मैं आपको बताती हूँ कब कब खलता है। एक तो जब आप माँ बाप होते हैं और आपके बच्चे वक्तन फजूल फजूल बिल्कुल सिली सिली क्वेश्चंस पूछते हैं। शुरू में तो आप कहते हैं वाह मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, बड़े क्वेश्चंस पूछता है। बाद में आप कोई ज़रूरी फ़ोन कर रहे हो, कोई ज़रूरी काम कर रहे हो और वो सवालों के सिलसिले क्वेश्चन मार्क ख़त्म नहीं होते। फिर आप कब तपते हैं जब आपकी बीवी, आप देर से क्यों आए हो, कहाँ थे, किधर थे, ये सारे सवाल जवाब जब आपकी बीवी करी होती है तब भी आपको बहुत आग लगती है। दुल्हा भाई, मुझे पता है। फिर अगर आपके बच्चे टीनेज में हों और आपकी माँ, स्पेशली अब्बा हुजूर अगर सवाल कर रहे हों, तो या तो आपकी टांगे कांपती हैं, क्या कांपे टांगे, हाँ कांपे टांगती हैं, या फिर जो है आपको बेजारी होती है, अल्लाह अम्मी को जवाब देना पड़ेगा, क्या है अब्बू को जवाब देना पड़ेगा। फिर क्या होता है जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आपको छुट्टी चाहिए या आपको कोई चीज़ पूछनी है और आप बार बार अपने बॉस के कमरे के गिर चक्कर लगा रहे होते हैं उनसे सवाल करने में कि क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, उस वक्त आपकी हालत टाइट होती है और बॉस भी तपरे होते हैं कि भाई अभी इतना सारा काम आया है और ये मुझसे सवाल कर रहा है कि छुट्टी पर जाना है। सो वो उस वक्त वो लाल पीले हो रहे होते हैं कि ये क्या टाइम में छुट्टी मांगने का। सो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको तपाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं बल्कि बहुत सारे मसलों का हल भी बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक खातून खाना, एक लड़की जब वो नए नए अपनी घरेलू ज़िंदगी में कदम रखती तो वो फ़ोन पे कभी खाला, नानी, फुप्पो, दादी, जो भी, या अम्मी या उसकी सास, जो भी उसके करीबी जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है उसको सवाल करेगी, सुने मैंने ये पका लिया है मगर ये हो गया है तो अब मैं क्या करूँ। जहाँ वो फंसती है वो सवाल उन्हीं लोगों से करती है जिसको वो ट्रस्ट करती है और पसंद करती है। ये सवाल आज जब आप कर रहे होते हैं तो फिर आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। बच्चे के पेट में दर्द हो गया, उसको क्या बना के खिलाऊं या क्या करूं, कैसे डॉक्टर के पास जाए बगैर ही मैं उसका इलाज कैसे करूं। बहुत सारे सवाल पहुंचाते हैं आपको फ़ायदा। यहाँ हम करेंगे सवाल हमारे सेलिब्रिटीज से मगर फ़ायदा पहुँचेगा आपको, क्योंकि हर घर का अपना एक रिवाज होता है, अपनी एक तरीक़ेकार होता है और हर इंसान के पास एक अलग जहन होता है। आप जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं इतना कुछ उनसे सीख पाती हूँ, मुझे लगता है जो मैंने कोर्स किया है ना ज़िंदगी गुजारने का और सीखने का, क्योंकि मैं पीपल्स पर्सन हूँ तो मुझे लोगों से मिलकर ही सीखने का मौका मिला। कितनी भी मैं डिग्रियाँ ले लेती, कितनी भी मैं पढ़ाई कर लेती, शायद मैं उतनी चलाक जितनी मैं अब हूँ ना उतनी ना होती। सो थैंक यू सो मच लोगों जो मुझे मिलते हैं और मुझे अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जो चाहते हैं मेरी तरह कुछ सीखना। तो आज भी सीखिए इस प्रोग्राम से जिसका नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज सवाल पे सवाल, मैं वैसे ही मेरी आदत है, वो नहीं एक फिल्म थी जुदाई थी शायद कोई, उसमें परेश रावल का जो रोल था क्वेश्चन मार्क उसके मुंह पे लिखा था, तो मेरे साथ ऐसा हो गया है क्योंकि मैं शो की वजह से अगर मैं डॉक्टर की क्लिनिक पे गई हूँ और मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई हूँ तो मेरे साथ जो भी खातून होगी चाहे वो मेरी फ़ैन ही क्यों ना हो मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में सवालात करना शुरू हो जाती हूँ। ये मेरी एक
आदत बन चुकी है. सो लेकिन अगर सवालों से फायदे हो तो क्यों ना भाई, सवाल तो करने चाहिए. ये और बात है, जैसे जैसे मैच्योर हो रही हूँ सिली क्वेश्चंस कुछ कम होते जा रहे हैं, वरना पहले तो सिली क्वेश्चंस भी बहुत करती थी. अम्मी अबू बहुत परेशान होते कि दिमाग खाती हो. लेकिन खैर, जो कुछ सीखा है इन सवालों से सीखा है. और आज आपको सिखाने के लिए हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं. सबके अपने अपने घराने हैं, सबके अपने अपने रख रखाव हैं, और बहुत कुछ हम इनसे भी सीख सकेंगे, लेकिन सवालों के थ्रू. आज एक गेम के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. फरीदा शबीर हमारे पास हैं, राबिया कुलसुम अस्सलाम वालेकुम, राबिया कुलसुम हमारे पास हैं अस्सलाम वालेकुम, और किरण खान हमारे पास अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? ठीक हैं. बस मेरी आवाज रानी मुखर्जी जैसी हो रही है. हस्की हस्की सी. हस्की. ये जो सवालों वाली बात आपने की ना, मैं अक्सर क्या करती हूँ, जो अननोन लोग होते हैं ना इर्द गिर्द, तो वो लोग इतने सवाल हमसे कर रहे होते हैं. हाँ. तो मैं क्या करती हूँ, उनसे सवाल करना शुरू कर देती हूँ, ताकि वो ना उनका थोड़ा सा माइंड हटा दूँ कि वो मेरे से कम पूछें. मैं आई डोंट लाइक टेलिंग अबाउट माई सेल्फ ज्यादा ना, तो मैं हूँ थोड़ी सी इस तरह. हाँ. तो फिर मैं उनसे सवाल. अच्छा, मुझे एक चीज, एक सवालों पे, मुझे एक सवालों पे बड़ा गुस्सा आता. सुनो, उसकी तलाक क्यों हुई? मतलब किसी सेलिब्रिटी की अगर हुई है. बिल्कुल ऐसे ही. भाई मैं उनके घर में रहती हूँ क्या? सुनो, उसका बच्चा होने वाला है ना, लग रहा है मोटी. हाँ. हो गई है. नेता को सब है पता होता है ना, ये होता है ना, है ना. मैंने कहा मुझे नहीं पता. सुनो, उसकी क्या, क्यों क्यों उसने उससे तलाक लेके दूसरे से शादी कर ली? क्यों ये घर में थोड़ी रहते. मेरी एक दोस्त भी ऐसी है ना, उसको लगता है कि मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ. मुझे फोन करेगी यही पूछने के लिए, खबरें लेने के. मैंने कहा बहन मुझे होश नहीं है. हाँ. मैं यहाँ से निकलती हूँ, मैं अपने कपड़ों की डिजाइनिंग में लग जाती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है. बहुत फिक्र. नहीं नहीं, लेकिन उनके पूछने का अंदाज ऐसा होता है कि आपको या हमें बिल्कुल सब पता है. अरे ये तो बताओ उसका क्या हुआ. हाँ. नहीं, और आपको ऐसा करना क्यों चाहिए? क्यों भाई, ये वाला मसला होता है कि आपको पता होना चाहिए. हाँ. आपको नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तुम बताओ ना, ये सही किया उसने? मैंने कहा कोई, मैं उसकी अम्मा हूँ, मुझे क्या पता. हाँ. कि उसने सही किया कि गलत किया. उसने ऐसा क्यों किया? और यकीन माने, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी है ना, मैं जजमेंटल, जो पहले मुझे लगता था इमेच्योर एज पे थी कि मैं उसको जज करती थी, इसको जज, मैं वो खत्म होती जा रही. हाँ, जिसकी जो मर्जी मुझे कोई बुरा ही नहीं लगता. हाँ, अल्लाह का शुक्र है. कभी कभार अपना मियां लगता है बुरा, लेकिन वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ख्वातीन की. तो वो पता नहीं क्या है, वो उसकी उसके खानदान कैसा है. हाँ. वो कपड़े कैसे पहनती है, मुझे मैटर ही फर्क नहीं पड़ता. ना पूछे, ना पूछते हैं किसी के बारे में, ना कोई ज्यादा वो होती है कि भाई हमें पता है. सीधी बात ये, वक्त नहीं है इन चीजों का. हाँ, बिल्कुल टाइम नहीं है इन चीजों का, ना ही एक्स्ट्रा एनर्जी है इन चीजों की कि किसी और की जिंदगी के बारे में सोचें भी, और ओपिनियन रखना तो बहुत दूर. लेकिन पूछेंगे तो जवाब है ना, आप पूछे ही ना तो वो भी नहीं पूछे. नहीं, सोच भी नहीं जाती कि उसकी लाइफ. जी जी जी, बिल्कुल. कहते तुम्हारे शो पे है, तुमने उससे ये सवाल क्यों किया? मैंने कहा भाई क्या मकसद है, मैं उसको एम्बैरेस क्यों करूं? नहीं यार, ये तो तुम्हारे सामने बैठी हुई थी और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया. मतलब लाइव शो में ये करना चाहिए लोगों के मुताबिक, कुछ लोगों के मुताबिक. हाँ. आज हम ऐसे सवाल करेंगे इनको, ये पीछे मुझे गालियां नहीं देंगे. हाँ, आज ऐसा ना सवाल. हाँ. ऐसा ना, मैं आपसे सवाल करना शुरू हो जाऊं. वो वाली पॉलिसी यहाँ पे भी अप्लाई करना शुरू. वही तो, वही तो जी. सो पहला सवाल मेरी टीम क्या है जी, किसी शादी में जाना हो और अचानक चेहरे पर निकल आए पिंपल तो क्या किया जाए? इस्पगोल, पानी, ग्रीन टी इस्तेमाल करें, या सागुदाना, सिरका, पत्ती इस्तेमाल करें? सब कुछ तो हमने बताया. इतनी सारी चीजें. वैसे तो टूथपेस्ट लगाना चाहिए. जैसे फौरन से दाना निकले. नहीं, वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा टूथपेस्ट होता है. फिर अगर खाना है तो पेट को ठंडा करना है. हाँ. तो सागुदाना है या कोई भी ठंडी चीज, पानी. सागुदाना जो है पेट में जाएगा, फिर पेट को सही तो करेगा. ये सारी चीजें इसमें लग जाएंगे 2 से 3 दिन. हाँ, तो ये तो है. दो से तीन शादी में जाते हुए कैसे होगा? मेरे लिहाज से तो कंसीलर से अच्छी चीज कोई भी नहीं. दाना नहीं चुपता बहन. कंसीलर लिया और लगा लिया. दाना नहीं चुपता कंसीलर से. मेरे ख्याल ग्रीन टी पी लिया. देखो फॉरन तो नहीं होगा. फॉरन तो कुछ भी नहीं होगा. टी बैग से कहते हैं, लेकिन मैंने कभी अप्लाई किया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं. अच्छा, दोबारा से देखा, मैंने आपको 2 ऑप्शन भी दिए हैं. इतना एक साबुदाना की बत्ती पे इतना जोर ना डाला. नहीं, आपने इस्पगोल था और एक साबुदाना का था. मेरी तरह. हाँ, बिल्कुल सही कह रही. सिरका, सिरका अच्छा हो सकता है वैसे. इस्पगोल, पानी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें या साबुदाना, सिरका, पत्ती. क्या मिला के होगा क्या?
हाँ कुछ चीजें लगाना है, होगा लगाना ये सब मिला के लगाना है। ये तीनों, ये दो अलग ऑप्शंस दिए हैं कि इस ये इसका मिक्सचर या इसका मिक्सचर। मैं ग्रीन टी वाला इस्तेमाल करूंगी, इसबगोल पानी और ग्रीन टी। ग्रीन टी और आप क्या करेंगे? इसबगोल कभी लगा दे, मुझे पता है लगाने पे तो नहीं होगा, इसबगोल का लेते हैं मुझे सिरके की गेम। सिरका वाला अच्छा। वैसे आप, तुम्हें दाना निकलता है, तुम पर्सनली क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती, छोड़ देती, मैं उसको हाथ भी लगाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला दाना होता है कि हाथ लगा के मैंने इधर उधर लगाया तो वो फैलता है। ये मेरे साथ हुआ है ना, ये एक पहले एक था खाली, यहाँ पे छोड़ दो, एक दो दिन चार हो गए मेरे तो बैठ जाता है। सबसे बेस्ट तो यही होता है, हाथ ना लगाए, हाथ ठंडे पानी से मुंह धोते, बेस्ट है। आइस इज गुड, थोड़ा सा आपको इंस्टेंट हो, थोड़ा सा वो ठंडा पानी से मुंह धो ले। अच्छा, लेकिन जैसे ये टी ट्री वो होता है ना ऑयल, हाँ। मैंने तो घर में वो रखा हुआ, अच्छा। टी ट्री ऑयल जो है वो भी बड़ा अच्छा है, अगर आप लगा के रात को छोड़ दें, और हम अपनी जैसी खुद बता रहे हैं, अच्छा फर्क पड़ता है उससे। हाँ, फिर सेफोरा का एक मैं ट्यूब लेकर आई थी जो इन इम्परफेक्शंस के लिए था, वो भी लगाए तो ड्रामा नहीं, दाना ड्राई हो जाता है, तो वो छोटा हो जाता है, वो कंसीलर के काबू में आ जाता। अच्छा, मैं क्या करती थी, जब मेरे दाने निकलते थे ना इस तरह के, जब नया नया निकलता है तो वो थोड़ा सा पॉपुलर्ज हो रहा होता है ना, अंदर पक रहा होता है, लाल हो रहा होता है, मैं क्या करती थी, मुल्तानी मिट्टी रखी रहती थी अपने पास, मुल्तानी मिट्टी, लीमू और गुलाब का अर्क से उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के लगा दिया। अच्छा, मैंने हल्दी और नींबू भी सुना है, हल्दी और नींबू कि आप आइस क्यूब बना लेंगे, मैं करती थी, मुझे अभी बैठे बैठे याद आया, उसकी आप आइस क्यूब बना के रख लें, वो आपने निकाली, उससे हल्का सा मसाज किया, उससे काफी हद तक, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी होती है हल्दी, तो वो रेडनेस, हल्दी और नींबू, लीमू भाई देखिए, आप सब छोटे हैं ना जी, आप लोग बहुत छोटे अभी, तो हमारे, हम जो बचपन में थे तो हमारी अम्मी पान दान से चूना लगा देती थी, एंटीसेप्टिक तो था ना उसी वक्त, जैसे ये हल्दी का बताया ना इसने, नहीं मैंने वो पुराने के दाने के मुंह पे ये लगाए चूना, वरना इधर उधर सब जगह जल जाएगी। नहीं नहीं, पान खाने वाला जो होता है इतना तेज नहीं होता, सेफ है, जिससे मुंह नहीं कटता, हाँ पक्का वाला। अच्छा, आपने जवाब दिया सिरके वाला, आपने जवाब दिया ग्रीन टी वाला, हाँ, और आपने क्या चुना? मैंने इसबगोल चुना, और मुझे लग रहा है ये पीने वाला है, ये लगाने वाला नहीं है, नहीं मिक्स है ना ये सब। हाँ। अब हमारी जो टोटका वालियां हैं वो क्या जवाब देती हैं, आइए सुनते हैं। अच्छा, ऑथेंटिक यहाँ आएगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि शादियां हो या दुल्हन के रिश्तेदार, कोई भी शादी पे जाना उसी दिन चेहरे पे पिंपल्स आप जो है तशरीफ ले आते हैं, परेशान नहीं हो। ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस बगोल की भूसी को थोड़े से पानी में ब्लेंड करना है, इससे पहले कि वो पानी में फूले आप अपने एक्नी पिंपल पे लगाकर छोड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोने के बाद ग्रीन टी उबाल कर छान कर ठंडा किया हुआ उसका स्प्रे कीजिए, तो उससे इंशाल्लाह आपके जो एक्नी या पिंपल हैं वो जो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं वो बैठ जाएंगे। और वैसे कितनी अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। कभी बड़ा मसला होता है कि दाना निकल आया और शूट करनी है तो ये तो फौरन किया जा सकता है, और स्पेशली रमजान में आपका पानी वगैरह इंटेक कम हुआ होता है, डीहाइड्रेट वगैरह खा रहे होते हैं तो उसमें बड़े दाने निकलते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा बिल्कुल है इसबगोल, वैसे भी इसबगोल वैसे हाँ। इन्होंने तो लगाने का कहा है, इन्होंने कहा है पानी में भिगाए और जब वो बहुत नहीं फूले ऐसा जिले जैसा हो जाए वो पेस्ट हो जाए वो लगाए, और उसके बाद ग्रीन टी का उन्होंने स्प्रे करने को भी ठंडा किया। हाँ, ठंडा किया जी। नेक्स्ट सवाल, तलने वाले तेल को अगर दोबारा इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल से पहले क्या मिलाना चाहिए? नंबर एक, नमक, बेकिंग सोडा मिलाए, या फिर गरम मसाले की पोटली। बिल्कुल डिफरेंट है, ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं, ऑप्शन में नहीं है कि तेल को साफ करने के लिए, जुबैदा आपा का टोटका था ये, लसन तेल को दोबारा वो हो तो लसन डाल के निकाल लें तो वो तेल साफ हो जाए। नहीं, बेकिंग सोडा और नमक, नमक है ना। एक और भी चीज थी, हमने यहीं पर ही शो पे देखी थी टिप, उसने कुछ लिक्विड डाला था घोल के, कॉर्नफ्लोर डाला था, क्या डाला था, और वो ऐसे वो चिपक से बॉल से बन गए थे, तो मुझे लग रहा है ये बेकिंग सोडा वाला ही। नहीं, नमक बेहतरीन। वैसे आप वैसे क्या करते हैं? नमक, नमक, सिर्फ नमक डालते हैं, नमक डाल देते। इन्होंने मिक्सचर बताया हुआ है, नमक और क्या बताया हुआ इन्होंने, ये है बेकिंग सोडा। सोडा भी होता है लेकिन वो बहुत और फुला रहा होता है ना,
तो नमक बेस्ट रहता है, नमक बेस्ट रहता है ताकि सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए, घेरे में ले लें। ओके जी, बताएं क्या है जवाब? यही होगा। तलने वाले तेल को अगर दोबारा आपको इस्तेमाल करना है तो उसका बहुत आसान तरीका है कि पहले आपने इस तेल को अच्छी तरह से छान लेना है, उसके बाद आपने इसके अंदर नमक और बेकिंग सोडा ऐड कर दें तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ये साफ हो जाएगा, इसको दोबारा से आप रीयूज कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। हाँ, मुझे याद आ रहा है, ये एक देखी थी हमने, क्लिप भी देखी थी इस पे, रील्स जो आपने लगाई थी उसमें तेल को कैसे साफ किया था, उसका शक्ल ही बदल गई थी, बिल्कुल साफ हो गया था वो, काले रंग का और स्मेल भी निकल गई थी। जवाब आपके शो में ही मौजूद था। फिल इन द ब्लैंक्स जी। नेक्स्ट, धूप में से आकर अगर आपको अपना रंग झुलसा हुआ लगे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सेब के छिलके प्लस केले का इस्तेमाल या 3 खुबानियां और 1 कप दूध का इस्तेमाल? आई गेस ये केले पीने वाला का है, लगाने का है? ये नहीं, अब हम लगाने का गेस करें। पीने में तो आई थिंक एक्चुअली दोनों लगाने का ही होगा। यूं देखो तो दोनों ही अच्छे हैं। लगाते हैं तो मैं बताती हूँ, लगाए तो केला बेस्ट है, केला बेस्ट, और खाने के लिए खुबानी और ये दूध। हाँ, खाने का है कि लगाने, लगाने का, लगाने के हैं दोनों, खाने, खाने के लिए तो फिर मैं लेकिन दूध के साथ जाऊंगी, दूध और खुबानी प्लस दूध। हाँ, मैं केले वाले के साथ, केले वाली सेब और केला के साथ। और वैसे कभी आप लोग स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी या कहीं भी शूटिंग से, धूप वाली जगह से आए हो तो तुम लोग क्या लगाते थे? मैं तो सैंडल पाउडर और रोज वाटर। हाँ, अच्छा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। या फिर सिर्फ लीमू लेके, हाँ, क्योंकि एंटी टैन होता है लीमू, सो वो पानी मिलाए बगैर। मैं तो डायरेक्ट, मैंने तकलीफ नहीं होती, हल्का सा, हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होती है। और हर कोई अप्लाई ना करे, पहले हाथ पे या एक एरिया पे लगा के देखे, मुझे क्योंकि सूट करता है तो एंटी टैनस की प्रॉपर्टीज बड़ा अच्छा वर्क करती है। ज्यादा जलन तब होती है जब दाने निकल रहे होते हैं, तब आप जब लगाते हैं ना, क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है ना उसके अंदर, तो वो। लेकिन जो सबसे बेस्ट और सेफ है वो दूध है, कच्चा दूध ठंडा कर, आप जो पका वाला हो, दूध पे कच्चा, जब दूध होता कच्चा दूध ठंडा, क्योंकि वो पका हुआ होता है तो फिर वो पिंपल्स निकलने होते हैं, ऑयली हो जाता है। कच्चा दूध आप डिप करें, कॉटन से लगाए, सबसे बेस्ट, वो जुलसी हुई स्किन। हाँ, और तुम क्या करती अगर तुम खुद? फेयर एंड लवली बहुत लगाती थी, मुझे याद है कॉलेज में जाती थी हाथों पे, ताकि वो सन ब्लॉक का काम करे, सन ब्लॉक का काम करे। लेकिन मैं ये जो मुल्तानी मिट्टी, नींबू और गुलाब का अर्क लगाती थी ना, उससे रंग बहुत साफ, रोज वाटर से बहुत फर्क पड़ता है, एकदम ठंडा हो जाता है। हाँ, और वो स्प्रे भी मारते रहे ना बार 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 बार, रेगुलर सन ब्लॉक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, अच्छी खासी एसपीएफ वाली, क्योंकि यहाँ की रेस खतरनाक है। देखिए भाई, हमारी एक्सपर्ट्स ने क्या जवाब दिया? आप पिकनिक पे जाते हैं या धूप में खेलते हैं, वापस आते हैं तो रंग का हो चुका होता है, झुलस चुका होता है, सत्यानाश हो चुका होता है। परेशान नहीं हो, अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो आपने क्या करना है, आपने खुबानी को दूध में भिगो के रखना है। इसको कहते हैं आफ्टर सन थेरेपी। खुबानी आप ले लीजिए 3 से 4 अदद, और आप 1 कप दूध में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद ये आपस में जो है ना मर्ज हो जाएगा, इसको ब्लेंड कीजिए, आपकी बेहतरीन आफ्टर सन क्रीम तैयार है। ये झुलसी हुई स्किन को बेहतर करने में और एक जो डार्कनेस आ गई होती है सूरज की वजह से, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। आधे घंटे लगाइए, ठंडे पानी से धो लीजिए, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, और जो आपकी स्किन झुलस गई थी वो सही हो जाएगी। और दूध, खुबानी और दूध, वो दूध पता ही है कि वो सूद करता है आपको। थंड़ा, जी, नेक्स्ट सवाल। चावल और आटे में सुरसुरी, सुरसुरी कहते हैं ना आए, तो इसके लिए कंटेनर्स में क्या रख लेना चाहिए? तेज पात प्लस लौंग या कड़ी पत्ता और इलायची? फर्स्ट वन, तेज पात और लौंग पक्का वाला। आप लोगों के घर में कुछ इस तरह की प्रैक्टिस होती है? हाँ, लौंग वोंग तेज पत्ता मुझे अक्सर होता है, मैं रख डाल देती हूँ। और आप जी अब भी यही करते हैं? वो प्रैक्टिस होती तो नहीं है पर लग रहा है कि यही होगा हमारे घर में, तो होता है। हाँ, जो आटा आता है माशाल्लाह वो बचता है, इतना मौका मिले तो बचता है। हाँ, मुझे तो हमेशा उसको छान के, नहीं तो रोटी हम नहीं खाते, मेरे जो ड्राइवर वगैरह ये सारे मुलाजमीन है वो लोग माशाल्लाह उनकी रोटी के बगैर,
सो हमारे यहाँ कड़ी पत्ता इलायची बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबुओं वाली चीजें हैं, तो आई थिंक होंगी भी नहीं, ये रखेंगे तो इनकी अपनी खुशबू चावल और आटे में। वैसे लौंग बेस्ट होता है, लौंग और कड़ी पत्ता बिल्कुल उनकी नहीं होती। अगर आपको लगती भी है कि उसकी बदबू है तो वो बेयरेबल होती है। सही, बिल्कुल। देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट क्या कहती है। यूजुअली हम क्या करते हैं, चावल आटा या दालें ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, उसको फिर हम अपने कंटेनर में रख देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते हैं, और नमी लग जाती है या फिर ढकना खुला रह जाता है तो इससे सुरसुरियाँ हो जाती हैं, जाला भी बन जाता है, हम बड़े परेशान होते हैं। अब क्या करें, इससे बचने के लिए आपने इसमें तेज़पत्ता और इसके अंदर आप 2-3 लौंग इसके अंदर आप शामिल कर देंगे तो कभी भी सुरसुरी या जाला नहीं बनेगा। गिफ्ट हैम्पर मेरा हुआ। सबसे ज़्यादा सही जवाब आप लोगों का है जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये फायदे जो है सुबह सुबह हम ही पहुंचाते हैं आपको। दुआएं दे दीजिएगा जरा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब। आहा क्या बात है, माशाल्लाह हसीन और जमील, चश्मे बद्दूर, चश्मेदार। मैं क्या आई हूँ शादी के बाद, पहला दिन रेड लिपस्टिक पटाखे कपड़े नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है इसमें। मैका तो है ना आपके यार। हाँ मैका तो है मेरा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल क्या है जी। हाँ जी, फौरन से सवालों पर आ जाओ। अगर आपके नाखून कमजोर हो या फिर बढ़ ना रहे हो तो उनके लिए नाखूनों को इतनी इज्जत दी है, खुबानी का तेल और लहसुन वाला पानी। वाला। अच्छा ऑप्शंस थे, खुबानी का हटा दिया तुम लोगों ने फौरन, खुबानी का तेल और लहसुन वाला पानी या अदरक के साथ सफेदे का तेल। लहसुन वाला लहसुन तो सुना है। yes. लहसुन कहते हैं लगाओ भी। एक पोज आप बैठे हुए ऐसे करते रहे तो वो का बढ़ते नाखून। आपको होता था कभी जैसे? नहीं नहीं, मुझे कभी नाखून। मैं तो बिस्तर की चादर नहीं, जब अब मेरे एक्रेलिक्स नहीं होते और वो करने के लिए कसम से उसमें तो बहुत सेम है। एग्जैक्टली। और मुझे ना थोड़ा मसला है, बिस्तर की चादर ना मुझे चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट और जो डिजाइन है वो सेंटर में चाहिए। मेज जितनी मेहनत के लिए, जितनी मेहनत मैं करती हूँ ना बेडशीट लगाने के लिए सारे नेल्स। और तो मैं तो फिर उसके बाद मैंने एक्रेलिक लगाना शुरू। मैंने तो मेट को देखा था, वो तो ऐसे गद्दा उठा के नीचे लगा के। मैंने कहा ये तरीका अच्छा है, मैं तो यूं करो तो नाखून टूटे तो नहीं। तो फिर उसके बाद जो है नाखून, उसके बाद एक्रेलिक्स लगाना शुरू किए। अब यासिर के पीछे खारिश करो तो मजा ही नहीं आता ना, अपने आप को खारिश करने में मजा आता है ना कुछ, एक्रेलिक्स नहीं लगती ना सर पे खारिश करने में। नाखून है ना। हाँ ना, वो गंदे ताकत नहीं लगती ना उस तरीके से, वो मजा ही निकल जाएंगे। तरसती हूँ मैं तो वो खारिश। बस अब्बा करवाते थे ना, जिसके नाखून टूट रहे हो कमजोर हो उसको हमेशा लहसुन का पानी लगाए या लहसुन आप एक छील ले और लगाते रहे अपने बैठ। अब देखते हैं कि हमारी एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी। यही कहेंगे, देख लेना। हर चीज़ को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो नाखूनों को भी होती है। हम इससे काम तो लेते हैं लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करते। एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये नाखूनों की एक्सरसाइज है। इससे बाल भी अच्छे होते हैं, नाखून भी अच्छे होते हैं। कोई भी ऑयल ले लीजिए, रात जैसे हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो हम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, तो आपने अपने नाखूनों पर भी खुबानी का तेल लगाकर अच्छी तरीके से मालिश करना चाहिए। वैसे पुराने ज़माने में लहसुन कहते तो हैं कि लहसुन वाले पानी में जो है ना हाथों को डिप करना चाहिए, वो तो है ही बहुत बेहतरीन, लेकिन रात को आप अपने नाखूनों की अच्छी तरीके से मसाज भी कीजिए, इससे आपके नाखून चमकदार भी होंगे और जो बार बार का टूटना है उससे भी बचेंगे। अच्छा, इन्होंने एक जिद्दत ले आई, हमने लहसुन का तो सुना था, लहसुन के पानी में डिप। वो यही कह रही है कि वो तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन खुबानी के तेल को भी आप इंक्लूड कर लें तो वो और ज्यादा अच्छे, उससे आपके शरीर जो कॉर्नर्स में होते हैं डेड स्किन होती है, सॉफ्ट हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी, क्यूटिकल्स खत्म हो जाएंगे, वो जो प्रॉब्लम और जो चिप होते हैं नाखून वो भी ठीक, वो भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि ड्राइनेस तो होती है ना। और जिन लोगों को दांत चबाने की आदत है उनको एक्रेलिक्स लगा दे, दांत से नाखून चबाने की आदत है वो नहीं सुधर सकता। मतलब दांत से नाखून कोई बात नहीं, जैसे मेरे बेटे को है ना, शुरू से उसको आदत है, वो कहीं कुछ सोच रहा होगा था और बकायदा आवाज आती है इस एज में भी, मैंने कहा लड़की नहीं मिलेगी तुमको कोई अगर तुम ऐसे चबाते हो। मेरा जो छोटा वाला बलाज, उसने पिक किया मेरी बेटी को, थी बेटी को तो एक्रेलिक्स लगा दी है, उसकी तो जान छूटी।
मगर जो बेटा है वो कैसे, वो मैं जब नेल कटर पकड़ती हूँ कि लाओ नाखून तो होते ही नहीं। इतने चुने चुने से तो नाखून हो गए, मजा आता है खाने में। नहीं, ये तो कुछ टेंशन है, कुछ सोच होती है। पता है क्या होता है, ये लोग गेम खेल रहे होते ना माइनक्राफ्ट, ये वो, तो वहाँ उसमें स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस होता है। तो वो सिवा मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम क्या मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर क्या गम है, ये क्यों खा रहे हो? कह रहे मम्मा जो मैं गेम खेलता हूँ ना आपको नहीं पता। मैंने कहा ओ अच्छा, ये समझ आई। बच्चे आजकल इसीलिए खा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, कोई भी गेम खेल रहे हैं उसमें हार रहे हैं जीत रहे हैं, और फिर अब शायद आदत पड़ गई है। मुझे तो ईद के शोज है तो उस वक्त मुझे लगता है मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं नाखून खाऊं। अच्छा है ना, आपने भी एक्रिलिक्स लगा लिए तो जान छूट गई बात। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। किचन में अगर मक्खियां या कीड़े मकोड़े आने लगे लग जाएं तो उनसे कैसे निमटना चाहिए, सफेदे के तेल का स्प्रे कर या पानी लौंग नीम के पत्तों का स्प्रे करके? ये अच्छा लग रहा है, मुझे नीम के पत्ते लग रहे हैं, नीम का पत्ता ना, मुझे भी यही लग रहा है ना, नीम का पत्ते से थोड़ी सी वो उसकी जो एक खुशबू है ना, हाँ उससे वो भागेंगे, रिपेलेंट वाला वो काम करेगा, वो काम करेगा, है लग रहा है। तो ऐसा लग, वैसे तुम लोग मक्खी मच्छर ये वो उसके लिए क्या करते हो? हाय, मैं तो स्प्रे रखती हूं, मैं भी स्प्रे रखती हूं, और जरा बने बनाए स्प्रे भाग जाए तो फ्यूमिगेशन। हमारे यहाँ तो ऐसे मच्छर है, ऐसा लगता है कि मिठाइयाँ घर में, आजकल बहुत हो गए, ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं मच्छर। स्प्रे कर रहे होते हैं क्या दरवाजा, जरा कॉइल बराबर रख के बैठे हुए हो, मैं तो यूं पकड़ के बैठ जाती हूँ, मगर यहाँ से मच्छर वहाँ पता नहीं क्यों। हमारे कॉलोनी में पौधे बहुत है, ग्रीनरी होती है, मॉस्किटो रिपेलेंट और इन सारी चीजों से काम चल रहा है। सो देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, दिखाइए। मक्खियाँ आ रही हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, आप बड़े परेशान हो रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा इसका स्प्रे बना लें। स्प्रे बनाने के लिए आपको चाहिए, आपने पानी लेना है, पानी में आपने इसके अंदर थोड़ा सा आपने लौंग इसके अंदर ऐड करनी है, लौंग के बाद आप इसके अंदर शामिल कर दें नीम के पत्ते, नीम के पत्तों के आपने अच्छी तरह से उबाल लिया उस पानी को, फिर आप इसको छान के स्प्रे बॉटल में डाल दें और आप पूरे किचन में आप इसको स्प्रे करें। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप देखेंगे मक्खियाँ भी भाग जाएंगी और कीड़े मकोड़े हैं वो भी गायब हो जाएंगे। अच्छा है भाई, कैबिनेट्स में इधर उधर भी स्प्रे कर दो ताकि वो सही बताया था ना आप लोगों ने, हाँ सबने नीम का ही बोला। जी दिखाइए भाई, नेक्स्ट सवाल। अनकरीब आपके घर में 3 माह बाद, अनकरीब कह लें या 3 माह बाद आपके घर में शादी है तो 3 माह में वजन किस तरह कम किया जा सकता है? अरे खाली शादी के लिए वजन कौन कम करता, और भी चीजें होती है भाई जिंदगी में, हेल्दी रहने के लिए कोई अच्छी सीरियल शुरू होने वाली है तो क्या है ऑप्शन? पुदीने, अदरक, लीमू या धनिया लीमू सिरका, सारे सही लग रहे हैं, सबको मिला दे ये पुदीना अदरक लीमू। धनिया का कोई काम नहीं है, धनिया का कोई काम नहीं है, पुदीना जो है सब डाल के अदरक लीमू ये सब पक्का क्या करता है, क्या वजन कम करेगा ना? आप लोग कुछ करते हो? जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, तुम्हारा तो बढ़ता ही नहीं ना माशाल्लाह, जब बढ़ता है तो फिर मैं थोड़ा, तुम्हारा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो छोड़ ही देती, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मैंने कहा मैं तो छोड़ ही देती हूँ बड़े, नहीं आप भी तो मुंह पे जिप लगाती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, नहीं नहीं करना तो हर रोज तो फालूदा खाने नहीं जाती, नहीं नहीं तौबा करें, वैसे जिप लगानी पड़ती है मुझे भी, थोड़ी बहुत जिप लगानी पड़ती है, जब मैं तुम्हारी एज की थी तो फिर मुझे नहीं चढ़ता था कुछ, मैं पतली थी, लेकिन उसके बाद एक सर्टेन एज पे आपका चढ़ना शुरू हो जाता और फिर आप परेशान हो जाते, और फिर उस तरीके से कम भी नहीं होता जैसे जवानी में हो रहा हो, जल्दी से हो जाता फौरन से। और आपको क्या आदत थी, आपको इतनी जंक खाने की, हमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल, वो भी फिर लग पता जाता है। अगला सवाल, तो इसका सही जवाब घर में शादी है 3 महीने बाद और आपने वजन कम करना है तो सबसे पहले जिप ऑन योर लिप्स, क्या करना है आपने, घी तेल चीनी चिकनाई सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ देना है, 10,000 कदम रोजाना चलना है और साथ में ये टिप करना है, आपने लेना है पुदीना पूरा 1 गड्डी पुदीना लेना है, उसके आपने पत्ते अलग कर देना है, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लेना है और आपने साथ में लेना है 8 से 10 लीमू, उसको काटेंगे उसके बीज निकाल देंगे, इन सब को आपने ब्लेंड करके रख लेना है, इसमें से 1 चम्मच आप सुबह निहार पेट आधे कप गर्म पानी में डालकर पीजिएगा,
उसके आधे घंटे तक नाश्ता नहीं करना है, तो आप देखेंगे आपका वजन तेजी से कम होगा। अदरक और वो लीमू, अदरक लीमू, हाँ जबरदस्त जबरदस्त। वैसे हम तो कॉफी भी पीते हैं सुबह, ब्लैक कॉफी, उसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है, स्लो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पीने के बाद आप बहुत पाए के भज्जे और क्या क्या खा रहे हैं। निधा ने कहा था कॉफी पी ली और ये और बस काम हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी नेक्स्ट सवाल, हरी सब्जियों और फलों को ताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए? कपड़े के थैले में नीम के पत्तों के साथ रखें या कपड़े से साफ करके कुकिंग ऑयल या कोकोनट ऑयल लगाकर रखें? अच्छा, हम लोग तो अखबार में रखते हैं। अखबार में धनिया पुदीना अगर आपको फ्रेश रखना है तो उसे आप थैली से निकाल के अखबार में करके रखें। अच्छा, लेकिन पता है कि अखबार की कहते हैं वो स्याही सही नहीं होती है ना, स्याही अगर उस पे पानी पड़ जाए तो स्याही वो होगी। ड्राई में तो पानी पड़ेगा ही यार, नहीं पड़ता ना। ऐसी जगह नहीं रखे ना कि पानी गिरे, सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखेंगे इसके ऊपर कुछ गिरे। अच्छा, तो वो अखबार में काफी फ्रेश रहता है। बट मैंने नोटिस किया, कह रही है फरा, कड़ी पत्ता और जैसे वो लेकर आई थी ना, तो मैंने उसको धोया नहीं और खाली बस डिब्बे में टपोगे में रखा पुदीना, और उसको नहीं बोल रहे। हाँ नहीं, मैं वैसे वो जो फ्रूट्स भी आते हैं उसको आपको क्या लगता है क्या करना? वैसे तो ऑयल लगाते हैं, ऑयल है ना, ये मैंने भी सुना है कि फ्रूट्स को ऑयल करने के लिए थोड़ा सिक्योर कर ले। हाँ ये क्या कह रही है, जैसे जैसे जुबैदा तारिक ने, जुबैदा आपा ने, उन्होंने मुझे एक टिप दी थी कि जैसे टमाटर है ना सस्ते किसी वक्त मिल रहे हैं, तो टमाटर लिए निदा और जो मोम होती ना मोमबत्ती, अच्छा वैक्स लगा वो जो उसका जो पॉइंट है ऊपर का उसपे मोम लगा के ना तुमने, और उसको हल्का सा ना जरा सा मसाज करके पूरे टमाटर पे जरा सी वैक्स कवर करके फ्रीज कर दिया, तो वो एज इट इज क्रिस्पी और एज इट इज फ्रेश रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक कर लेते हैं टमाटर, तो कर लेते टमाटर एकदम महंगा हो जाता है, बकरा ईद के करीब कितना महंगा हो जाता है। अब तो पल्प ही बना लेते हैं ना उसको, छील के या जो भी है, कभी कभार तो पेस्ट बना के रख लिया, फ्रीज कर लिया। यार देखो कभी कभार ना सालन में आपको पल्प नहीं अच्छा लगता, नहीं आपको पूरा खड़े तो कभी कभार दो चार खरीद लेंगे ना, क्या है उसके लिए एक बंदा नहीं होता घर में खाने वाला, तुम दो चार ले लो तो तुम्हारा गुजारा हो जाए। बनाने के लिए तो ले सकते हैं माशाल्लाह, पॉपुलेशन नहीं देखी हमारे मुल्क की, जगह है नहीं रहने की, लेकिन बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, खुदा की देन है बच्चे, एक्सेप्ट कर रहे। ऐसों के पास तो फ्रीजर भी नहीं होता ना, ताकि स्टॉक करो तो ये सारी चीजें ऑलरेडी भरी हुई होती है। जी मसले हैं बहुत। हाँ जी जी। और फलों को जब आप लाएं तो पहले से कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लें, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा, आप कुकिंग ऑयल घर में है या फिर आपके पास कोकोनट ऑयल है, वो अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से लगाना है, फिर फ्रिज में रख दें, फिर आप देखेंगे कि बहुत दिनों के बाद भी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी और बिल्कुल भी वो सुखड़ेंगे नहीं। छिलका उनका, रमजान आने वाला है और इस वक्त आप अगर अपने किसी घर के आदमी को बोल दे सुने ये कम पड़ गया ले आओ, और उस वक्त उसका रोजा हो ऑफिस से आके वो लेटा हो, तो मजाल है नहीं उसकी उठने की हिम्मत होती, तो फिर आपको थोड़ा स्टॉक करना पड़ेगा फ्रूट चाट रोज। बट आई थिंक फल ऐसी चीज है कि वो रोज के बेसिस पे भी आ रहा होता है लोगों के घर, वो आ रहा होता है, फल वाले इतने होते हैं कि। लेकिन देखो जैसे लेके जाने की बात कर रही है ना वो, कि मैं कह रही हूं कि उठा के लाना है, कहीं ट्रैवलिंग भी करनी है तो नहीं नहीं, ट्रैवलिंग के अलावा भी आप कम से कम 3 दिन का तो एक साथ लाके रख ले, रोज रोज रोजे की हालत में थोड़ा सा निकलना, जबकि थोड़ा गाड़ी में बैठ के आपको फल लेने जाना पड़े, 3 दिन में तो फल वैसे भी चल जाएगा। नहीं अगर तो आपको ज्यादा रख रहे हैं तो ये टिप है ना, टिप्स तो अच्छी है, किसी के पास लोग भी नहीं होते, लोग भी नहीं, रिसोर्सेज नहीं, हाँ वो उसी वक्त हस्बैंड एंटर हो रहे होते जब अफतारी का टाइम होने में कुछ केले लाते हैं, हाँ तो वो आप वो मैसेज कर मेन रोड से उठ के सेब लेने वाले आइएगा, अमरूद ले लीजिएगा थोड़े से, ऑफिस से निकलते वक्त मैसेज डाल दिया, वो इतना रश का टाइम है तो बस बहुत बुरा, बहुत बहुत रश का टाइम, तो उस वक्त और हिम्मत नहीं होती ना आप बगैर बिल्कुल भूखे प्यासे, और गर्मी भी अब होगी, हो जाएगी तो गर्मी होगी। जी नेक्स्ट सवाल, अगर अगर आपके बच्चे के पेट में मुस्तकिल दर्द रहने लगा हाय हाय लगे तो क्या करना चाहिए? शहद प्लस काली मिर्च
और लौंग का इस्तेमाल या अगर मुस्तकिल पेट में दर्द रहने लगे खुदा के लिए डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन नहीं, क्योंकि अल्लाह ना कर कहते ना कि बिल्कुल सही बात है, ये जो दर्द है ये नेमत की तरह ही आपको बताता है अंदर चल क्या रहा है। अगर एक आध दफा हो गया कुछ खाने से तो सही है, मगर अगर हमेशा रह रहा है तो ये टोटके वोटके पे मैं नहीं। प्लीज प्लीज फिर आपको नोटिस करना पड़ता है कौन सी चीज ज्यादा पेट में वो गड़बड़ कर रही है, कौन सी एलर्जी कर रही है। हमारे किरण कॉन्सेप्ट नहीं है एलर्जीज का, पाकिस्तान से बाहर ममालिक में पीनट से एलर्जी, पत्ते से एलर्जी, अंडे से एलर्जी, बच्चों को अंडे से एलर्जी, किसी जगह पर है एलर्जी टेस्ट, मुझे कोई बता रहा था। हाँ, एलर्जी टेस्ट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, सारी जिंदगी हो गई। सादिया इमाम को अब पता चला है कि वो दालें खाती तो उसकी स्वेलिंग इसलिए है। सारी जिंदगी वो दालें खाती रही। तो वो उस दिन कह रही थी यार ये मैं स्वे, मैंने कहा तुम्हारी वाकई स्वेलिंग वगैरह खत्म हो रही है, मैं अब देख रही हूँ तुम पतली हो, तो कह लेंगी निदा मुझे पता ही अब चला है। तो मुझे उस चीज से एलर्जी थी। तो अब जाके उसको अपने बच्चे बच्चे पैदा करके पता चला इतने एज में। वो है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट, तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी खवातीन रो रही होती है हमारे पैर फूले हुए, हमें ये हो गया, हमें दाने हो जाते हैं, हमें रोजेशिया हो जाता है, हमें ये हो जाता है, हमारे बच्चों को। तो एलर्जी टेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब खा रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। लक्कड़ हजम पत्थर हजम की बात पुरानी हो गई। लेकिन देखिए ये इन चीज़ों से ना, जैसे अभी आप ये कर रही हैं शो, और भी बहुत से शो होते हैं, तो इसमें लोगों को आई है ना चीजें, पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था लोगों को, तो अवेयरनेस काफी आई है, तो पता भी होता है, कहते थे ये हमारे नखरे नहीं है, तो अब समझ आई है ना, चोचले हजम है, चोचले चोचले, अब समझ आई है ना थोड़ी सी उन्हें। पता है क्या, पहले ना पॉल्यूशन थी, ना ऐसे गंदे खाने थे, ना इतने वायरसेस लगा के, ना वायरसेस थे, प्योरिटी थी ना। तो अब तो भाई अभी तो हर वायरस खाद है उसमें भी चीजें डाली हुई है, एक एक सेकंड में ऐसा म्यूटेट कर रहा है हर वायरस के, आपको बहुत अब केयरफुल रहने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या है जवाब? देखिए आप टिप्स तो कर लेते हैं ना, एक दिन किया आपने सौंफ पुदीने का पानी पिला दिया, दूसरे दिन किया, आप अपने बच्चे की सेहत के साथ बिल्कुल ना खेलें, डॉक्टर को दिखाएं। ये अलामात जो हैं जिगर के हो सकते हैं, ये अलामात जो है किडनी के हो सकते हैं, तो इसके लिए मेरी सबसे बेहतरीन टिप है कि जनरल फिजिशियन को दिखाएं और रूल आउट कराएं कि मसला क्या है। साथ में शरबत बजूरी एक हमारी नेचुरोपैथी में एक ऐसी दवा है जो आपके लीवर के लिए अच्छा है, आपके आंतों के लिए अच्छा है, आपकी किडनी के लिए अच्छा है। आप हर्बल रेमेडी के तौर पर शरबत बजूरी दें और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। अच्छा, वैसे शरबत बजूरी का भी मैंने काफी सुना है, काफी चीजों का, ये बड़े बड़ों के लिए भी है, पेट के उसके लिए, पेट की सारी थोड़ा सा वो मेरा ख्याल से मिलाते हैं पानी वाली पानी में चीज, क्योंकि मैं एक दफा लाई थी अपने पास, मुझे किसी ने, सारे हर्बल डॉक्टर्स जो हैं वो काफी रेकमेंड करते हैं, बना बनाया होता है वो, अब ला के रख रहे हैं घर में। मेरी अम्मा तो पेट के दर्द के लिए करती थी, जब हमें ऐसे ही कभी हो ना खा लिया पी लिया, ऐसे चलते फिरते ज्यादा खा लिया, गैसेस हो गई, हर चीज के लिए हमारे यहाँ लीमू जो है उसके छिलके सुखा के जो है नमक लगा के रखे होते, सो वो भी एक आई डोंट नो से कैसे पेन खत्म हो जाता था, और पेट की काफी चीजें जो है उससे हमें फायदा, लीमू के छिलके उनको, लीमू के छिलकों को सुखा के और उसका छोटा सा टुकड़ा लिया मुंह में डाल लिया, चूसते रहे चूसते रहे, सो वो नमक के साथ जो लेमन अंदर जा रहा होता है उससे कोई चीज होती है जो पेट के लिए गैसेस वगैरह कब्ज ये वो सारी चीजों को काफी बेहतर हो जाता है। होता है ना कि अब वक्त थोड़ी देर का दर्द होता है वो, लेकिन वो भी बर्दाश्त, तो दवाइयां खाएं, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, जैसे काला नमक कहते हैं ना कि काला नमक चाट लो थोड़ा सा, पेट में थोड़ी बदहजमी, तो वो नमक और लेमन का मिक्सचर कुछ अंदर लुआब जाता है, उससे कुछ लॉजिक है। अम्मी ने यही हमें कहा, अम्मी के पास बड़े टोटके थे, गले में दर्द है पान का पत्ता चबा लो, पान का पत्ता, मुलेठी, मुलेठी ये वो, मतलब सादा पत्ता बगैर कत्ते चूने के। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम भी टोटका एक्सपर्ट बन चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैचेस का भाई जोरो शोर है, पता नहीं क्या, आज तो कोई मैच नहीं होगा ना, आज बारिश है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं, किसी को भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, मुझे जो पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे ये पता है कि कराची किंग्स जो है उसकी, हमने सवाल किया था कि कराची किंग्स की शर्ट में कितने कलर्स हैं, सो हमें जो जवाब दिया
और कुरान दहेजी के बाद पता चला कि तानिया हफीज़ फ्रॉम इस्लामाबाद ने ये बताया कि कराची किंग्स की शर्ट में दो कलर्स हैं, ब्लू एंड रेड, लेकिन मुझे तो लगता है कि एक कहीं ना कहीं गोल्डन भी है, लेकिन फिर भी चले मेन कलर्स। और जो कराची किंग्स के स्पॉन्सर हैं वो भी मुझे पता है क्या है, तो वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। एआरवाई लगुना डीएचए सिटी कराची एंड एआरवाई लगुना डीएचए गुजरा वाला जो है वो है टाइटेनियम। स्पॉन्सर्स इम्तियाज सुपरमार्केट है, प्लैटिनम सुपरमार्केट पार्टनर वीगोटेल, वीगोटेल जो है प्लैटिनम मोबाइल फ़ोन पार्टनर है, डॉलन्स रिलायबल अप्लाइंस पार्टनर है, अप्लाइंसेस पार्टनर है, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इजी कलर स्टाइलिंग पार्टनर है, ताज दरबार रेस्टोरेंट पार्टनर है, योलो स्मार्ट वॉच पार्टनर है, रोज पेटल एंड मैक्सॉब हाइजीन पार्टनर्स हैं। जी तो हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, जो सवाल हम पहले से पूछ रहे थे, जिससे सबको फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक दूसरे से आप शेयर करते हो तो अपना काम ही आ जाती है। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है? अगर आपको आजकल की ट्रेंडिंग क्लास, क्या मुझे नहीं पता, जब मैं उर्दू इंग्लिश में मतलब इंग्लिश उर्दू, अगर आपको आजकल की ट्रेंडिंग ग्लास ग्लो स्किन चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अंडे की छिलके और आलू का पेस्ट इस्तेमाल करें, या अंडे की जर्दी और चावल भिगोकर इस्तेमाल करें? अंडे की जर्दी और चावल भिगोकर करें, अक्सर लोग आपको चावल क्या लगता है? हाँ, चावल तो बेस्ट है, शाइन के लिए स्ट्रेच कर देता है ना। आलू का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर रही हैं? उधर से आलू का पेस्ट चुन रही हैं, अंडे की जर्दी उधर से अंडे की जर्दी चुन, लेकिन ग्लास ग्लो स्किन फिर भी नहीं होती। चावल बेस्ट को, हाँ नहीं, अंडे के छिलके वाला नहीं, चावल चावल आई थिंक वो ग्लास ग्लो वाली स्किन जो आती है ना, वो ज्यादा पानी पीने से आती है। मैंने ये नोट किया कि जो जितनी स्मूथनेस आपकी स्किन में आएगी जब आप ज्यादा उसको हाइड्रेटेड रखेंगे और ज्यादा पानी। मेरी जब स्किन पे शाइन आती है वो जब मैं घोड़े गधे बेच के सो, जब मेरी आंख ना खुले बगैर उठे मैं प्रॉपर अपनी नींद पूरी करके, बेस्ट है जब सो के उठूं, और जो कि बहुत कम आती है क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ, आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। वो बेबी स्लीप होती है ना, जो सो के उठते हैं पफी पफी स्ट्रेच, वो अच्छी सी स्किन। आज दिन चाह रहा था सोती रुकी, मैं रात में एडविल खा के सो गई थी। गला खराब और नजला होता है ना, तो आप जब ये दवाइयाँ खाते हैं तो आपको नहीं लगता पड़े रहे और उस वक्त अपने आप को क्रेन से उठाना सोचो। मेरे मियाँ तो कहते सोती रहो सोती रहो, कहती हूँ तुम तो मेरी नौकरी खत्म करवाओगे, मैं जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन ग्लास ग्लो स्किन के लिए क्या करती हो तुम, क्या करती हो? यही पानी पीना बहुत जरूरी है, और नींद, ये दो चीजें तो, और एक्सरसाइज भी। यस, एक्सरसाइज इससे भी बहुत। कार्डियो आप किसी भी किस्म का करें, आप वॉक करें, आप एकदम चमकने लगते हैं, एकदम चमकने। ये तो बिल्कुल, मैं वही अपने बच्चों को समझाती हूँ कि एक सर्टेन एज में जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल, मतलब क्या से क्या बन जाते हैं, कितने लोगों के चेहरे देखे, ब्लड फ्लो आपका पूरा सर्कुलेट होता है ना, हर हर जगह पहुंच रहा होता है, कार्ड करते हैं आप अपनी बॉडी। बिल्कुल। आप बताइए आप क्या करती हैं, कुछ करती हैं ऐसा ग्लास ग्लो स्किन के लिए, कुछ खाती पीती हैं? मैंने आपको अभी वैसे दूध का जो बताया था वो मैं अक्सर कर रही होती हूँ, लेकिन ये जो है ये अंडे के छिलके चावल जो है ना, अंडे की सर्दी ये बेस्ट है। अंडे चावल तो बहुत, अंडे के छिलके नहीं है वो, अंडे की सर्दी है, दो अलग है, दो अंडे के छिलके और आलू का पेस्ट अलग है। अच्छा, और अंडे की सर्दी और चावल अलग। हम चावल के छिलके आए थे, उसको ग्राइंड श्राइन करके कुछ, अंडे के छिलके जो है तो छुपकली के लिए बेस्ट है, आप छिपकली है ना, बिल्कुल। ये बड़ा हमने किया है, दिखाइए भाई क्या एक्सपर्ट हमारी राय देती है। अगर आपको कोरियन स्किन चाहिए, ग्लास स्किन चाहिए, तो आपने क्या करना है, डिटॉक्स योर बॉडी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नमकियात और चीनी वाली चीज़ें जो मीठी चीज़ें उसको कम इस्तेमाल कीजिए। मौसम के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, आजकल जो मौसम है हम बाहर से थोड़ा गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, तो आपने एक अंडे की जर्दी लेना है और आपने चावल जो है वो रात भर भिगो कर एक चम्मच आपने आधे कप में भिगोना है। रात भर भीगे हुए चावल और अंडे की जर्दी को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद आप ये अपनी स्किन पे अच्छी तरह लगाकर उसके ऊपर टिश्यू रख दीजिए, ठीक है?
और वो जो है आपने जब टिश्यू आपका सूख जाए तो आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। ये अमल रोज़ाना भी कर सकते हैं, ये कोरियन ग्लास स्किन बना देगा, आपके स्किन के ब्लैमिशेस को भी, पिगमेंटेशन को भी कम करेगा और साथ में आपकी स्किन को ग्लो एंड शाइन भी देगा। मैं तो कहती हूँ रोजा रखो और रोज ये करो। हाँ यही करते रहो। हाँ चमकदार, ईद पर ऐसे चमकदार नूरानी हो, नूरानी चेहरा मतलब बाकी इबादत जो है उनका तो नूर आएगा ही। हाँ। ये भी आएगा ना। अच्छी देखा, सही हमने टाइम चुना आपको टिप्स देने का। नेक्स्ट सवाल, चावल खिले खिले बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों के चावल गिप हो जाते हैं। चावल उबाल कर बनाए और एक चम्मच सिरका शामिल कर लें। हाँ। या चावल में उबाल आते वक्त चावल का पानी, क्या उबाल आते वक्त चावल का पानी शामिल करें? क्या लिखा है? गलत लिखा है कुछ? लेकिन सिरका, सिरका तो बेस्ट। हाँ। है सिरका डालो खिले खिले। दूसरा तो ऑप्शन तो मुझे समझ नहीं आया। हाँ। चावल में उबाल आए तो चावल का पानी बनाए, खिले खिले बनते हैं सिरका डालने से। नहीं उसका मतलब ये होगा कि चावल जिस वक्त उबल रहे होंगे उसमें और थोड़ा पानी डाल दो तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी तो पानी और हो जाएंगे, खिप हो जाएंगे। हाँ, तो खिप हो जाएंगे। पता नहीं वो खुद लिख कर भूल गए जिसने भी दिया ना। सिरका डाल लें, सिरका इज बेस्ट। सुनाए किले किले रहते हैं। हाँ हाँ, बिरयानी बनाती हूँ तो चावल जैसे अलहदा उबलते हैं तो उसमें सिरका और लौंग डाल दे। यस बहुत अच्छा होता है। दिखाएं भी एक्सपर्ट क्या कहती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने राइस बनाए हैं दाल के साथ, सालन के साथ, किसी भी ग्रेवी के साथ, तो चावल जो है ना वो बड़ा चिपका चिपका सा है, खिला खिला सा नहीं है, उसका कलर भी बड़ा येलो येलो टाइप का है, वाइट होना चाहिए। तो क्या टोटका आजमाया जाए? मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगी कि राइस जब भी बनाएं इसको बॉयल करके बनाएं तो आपका चावल खिला खिला होगा, और जब आप इसको बॉयल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा 1 टीस्पून सिरका ऐड कर देना है, तो फिर आप देखें क्या कमाल होता है कि वाइट वाइट और खिले खिले राइस होंगे आपके। सिरका। हाँ वैसे फरा को मुझे एक बताना चाहिए, कौन है जो बॉयल के बगैर चावल बनाता? हाँ, नहीं जैसे पुलाव में बॉयल नहीं करते। अच्छा। हाँ, यखनी बनाई उस पर डालते हैं। हाँ, तहरी बनाई या कुछ इस तरह के, आप उसमें भी डालें, आप उसमें भी थोड़ा सा तहरी वगैरह में, जैसे तहरी है या पुलाव बना रहे हैं तो खिले खिले रहे। मेरा पता है मेरा अभी क्या दिल चाह रहा है, मेरी अम्मी खाती थी शुगर को कम करने के लिए बेसन की रोटी और वो अच्छा। लाल वाली चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, हाय हाय कोई मुझे खिला दे लाल चटनी, हाय हाय किसी के घर में वो बन रहा है बेसन का, बेसन का पराठा नहीं मैं खाती, बेसन की रोटी कड़क कड़क क्रिस्पी क्रिस्पी, मेरा तो दिल चाह रहा है बना दो एक बाल। हाँ यही बन जाएगा तो फौरन से बन जाएगा, बहुत फूड है वो। हाँ जी नेक्स्ट सवाल, ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी बारीक आईब्रोज घनी घनी हो सके? भाई बड़ी बुरी लगती है। ऑर्गन ऑयल दिखाओ जरा, नहीं ऑर्गन ऑयल कैस्टर ऑयल या मेथी दाना प्लस तिल का तेल, कैस्टर ऑयल के साथ जो है। मैं लोगों को बताऊं जो पतली आईब्रो है वो एक तो आपको शार्प लुक देती है बहुत, और कनिंग लुक देती है, आप अच्छे नहीं लगते हो। जो आपकी घनी आईब्रो है वो आपको यंगर लुक देती है और सॉफ्ट शक्ल लगती है। सो उसको घनी कर, अब जिस बेचारी के है नहीं तो वो क्या करे यार, बाल झड़ जाते हैं ना यहाँ, अभी तो झड़ते ही है ना सारे। मैं तो आईब्रो ही बनाती हूँ काफी दफा, मैं आई लैशेस पे भी कैस्टर ऑयल लगाती थी और आईब्रोज पे भी, तो आई लैशेस के लिए तो बहुत अच्छा कैस्टर ऑयल, बहुत बेस्ट कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल वाला टोटका सही है तुम लोग? बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगी कैस्टर ऑयल प्लीज ऐसा ना समझे कि ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा आ जाएंगे बस सुकून से, आराम से। अगर कैस्टर ऑयल आंख के अंदर चला जाए जो कि मेरा चला गया था तो खलीज और गंदी वाली इन्फेक्शन हो जाती, बहुत तकलीफ हो गया। कॉटन बड में लें हल्का सा और मस्कारे की तरह। नहीं मैं गड़बड़ क्या करती थी, सोने से पहले लगा लूं, मैंने लगाया और आंखें बंद कर ली, वो चला वो लेटी तो आंखों में चला गया पूरा अंदर। सो वो आप सोने से 1-2 घंटे पहले मस्कारे के तौर पे ब्रश पे लगा के लगाएं ताकि कम लगे सिर्फ लैशेस पे, वो इतना ना हो कि वो टपक के अंदर चला जाए। आपके पास जो सूखा मस्कारा है ना जो आपने यूज किया मस्कारे के अंदर भी डाल लेते हैं, उसमें भी डाल लें और या फिर उसका ब्रश लें किसी चीज में रख के उसके ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता लगाएं। वो जो स्पूली है ना वो तो मिलती है वैसे भी आपको, बिल्कुल, लेकिन दिन में लगाएं तो बेटर है, रात में क्यों लगाएं? क्योंकि वो लेट के सोना इट्स नॉट गुड। जी आप जब कमाल काम कर दिया ना, सो गई अल्लाह जो मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई है, डॉक्टर ने कहा तुमने किया क्या है, मैंने कहा मैंने
पलखें, क्योंकि मैंने आईलैश एक्सटेंशन लगाई थी तो मेरी पलखें सब जड़ गई। अब मेरी अपनी वापस लाने के लिए मैंने कहा यो जल्दी 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 अपनी बड़ी करूं, क्योंकि मैं फेक लैशेस लगा के चौपे बैठ रही थी, देर हो जाती थी, तो वो मैंने लगाई और सो जाती थी। डॉक्टर ने इतना डांटा आई स्पेशलिस्ट ने, तुमने किया क्या है आंखों के साथ। वैसे कितना टाइम होता है इसको लगाना चाहिए? आई मीन लाइक कैस्टर ऑयल 1-2 महीने? मैंने कैस्टर ऑयल नहीं लगाया, फिर मैंने एक जो लंदन से एक प्रोडक्ट थी जो कि एक पतली सी सिलाई नहीं होती है, जैसे बिल्कुल बारीक सिलाई, उसके उसमें डली थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ग्लिसरीन, कैस्टर ऑयल वगैरह सब मिक्स था और डाइल्यूटेड था। वो मैंने खरीदी और वो मैंने पतली सी सिलाई लाइनर के तौर पर लगाती थी वो मैं। अच्छा, ऊपर लाइन ऊपर, तो वो मेरे अंदर डिप भी नहीं होती थी क्योंकि उसमें आती ही कम थी। वो बालों की जड़ों पे, वो जड़ों पे यहाँ लाइनर की तरह लगाती थी, कोई वो भी नहीं। तो वो जड़ों पे लगाने से मेरी लैशेज इतनी अच्छी निकलने लगी। अच्छा, ये कि अब मेरी अपनी लैशेज है। तो आई थिंक ये कैस्टर ऑयल वगैरह भी अगर हम लगाएं तो ये ऊपर ऐसे लगाएं, बिल्कुल लाइनर की तरह, लाइनर की तरह। और वही वाली बात है कि सोने से 1-2 घंटे पहले लगाएं कि जब तक आप सोने के लिए जाएं तो दिन में लगा लेना, दिन में लगा लें, काम करते रहें अपने। बिल्कुल, बहुत केयरफुली लगाना होता है क्योंकि लगाते कभी हमें याद भी नहीं रहता आंख मल ली कुछ कर लिया। नहीं देखें, एक्चुअली जो कैस्टर ऑयल आप लेकर डायरेक्ट लगाते हैं ना, वो अगर कोल्लू से निकला होता है तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। सही, और वो गाढ़ा आपके आंख में आराम से डिप हो सकता है। तो वो गलत है बिल्कुल। और फिर धुंधला भी नजर आता है, मेरे तो आई साइट ही वो ऐसा लगता नहीं। और हम क्या करते हैं रात को सोने के लिए, हमने सब कुछ अपना कर लिया और फिर मोबाइल पे लग गए तो हमारी आंखें तो खुली गई है ना, तो वो कर गया अंदर ट्रांसफर। जी नेक्स्ट सवाल, इसका सही जवाब, सही जवाब। बारीक आईब्रो को घना बनाने के लिए सिर्फ 2 ऑयल मिक्स करके रख लीजिए, कैस्टर ऑयल और आर्गन ऑयल मिक्स करके रख लीजिए। रोज़ाना रात को अपने आईब्रो पर लगाना शुरू करें, आप देखेंगे 1 महीने में आपके आईब्रो जो है वो घनी होना शुरू हो जाएगी। महीने में, एक महीना लगाएं। नेक्स्ट सवाल, जो शानदा भी डाल देते भाई बच्चों को बच्चों तुम को पढ़ो यार, किरण आवाज मेरी साथ बच्चों को अचानक उठने वाली खांसी कैसे रोका जाए? शहद, दालचीनी पाउडर, मुलेठी पाउडर इस्तेमाल करें या शहद, इलायची, अदरक की चाय पिलाएं। शहद सारी चीजें अच्छी हैं, मुलेठी भी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा, शहद मुझे नहीं सूट करता। अच्छा, मेरा शहद से गला पक जाता है, वही वाली बात है ना, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अक्सर जब भी मैंने शहद खाया है कुछ तो मेरा गला ना ये पता नहीं क्यों फूल जाता है, पक जाता है, सूट नहीं करता, सूट नहीं करता। सो अब आई डोंट नो, हालांकि कहते हैं शहद इतना अच्छा है गले के लिए, इतना अच्छा है, वैसे ही ओवरऑल उसके लिए एलर्जी होगी या क्या जो भी। हाँ, हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? शहद, दालचीनी पाउडर, मुझे शहद और अदरक की चाय। शहद और अदरक नहीं, बच्चों को जो होती है ना, बच्चों की बात है कि शहद और दालचीनी पाउडर ऐसे चटा देते हैं। बच्चों की बात उन्होंने की है, बच्चों को अचानक जो, तो हम भी शहद और अदरक का पानी थोड़ा सा और हल्की सी काली मिर्च। काली मिर्च ये तो बेस्ट है, तो खा चुकी हूँ सारा बलगम निकाल चुकी हूँ बचपन में, इसीलिए अब मैं अदरक और शहद नहीं ले सकती। चिढ़ती हो तुम? ओ, एक अलग से वो फोबिया, मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। सीरियसली जी मत लाना शुरू, सीरियसली दिखाएं भाई क्या है जवाब। बच्चों की जो अचानक से खांसी उठती है और बच्चे निढाल हो जाते हैं खांस खांस के, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज ऐसी खा रहे होते हैं जिससे खांसी होती है, जैसे चॉकलेट खा रहे होते हैं, मीठा बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, तो उनको रोकने के लिए आपने क्या करना है? आपने एक सफूफ बनाना है, बहुत ही आसान है और बच्चों को आप इसको दे सकते हैं। आपने शहद लेना है, उसमें दालचीनी का पाउडर ऐड करें और आप इसके अंदर आप मुलेठी पाउडर जो है उसको ऐड करके मिक्स करके एक अच्छा सा आपने माजून बना के रख देना है। फिर बच्चों को आप चटाते रहें, आप देखें बच्चों को 1-2 दिन के अंदर खांसी मुकम्मल तौर पर सही हो जाएगी। हाँ जी, अब क्या करें हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इसलिए कि मेरे गले को थोड़ा आराम चाहिए भाई, रेस्ट चाहिए। सो छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, हम आपको आज बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दे रहे हैं जो हम भी खुद हैरान हो रहे हैं, अच्छा इसका ये करना है, उसका वो करना है। सो बहुत सारी चीज़ें आप आज सीख पा रहे हैं और हम भी खुद अपने शो से आज बहुत सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। अगला सवाल क्या है? खाना पकाने से अगर जगह जगह
बर्न मार्क्स नज़र आने लगें या पड़ जाएं तो आसान हल क्या है? बहुत सारी मैंने अक्सर ख्वातीन के हाथों पे देखे, तेल बेस्ट है, हाथों पे मैंने देखे उनके निशान पड़ जाते हैं, इधर से लग गया उधर, और उनको पता भी नहीं चलता और निशान होते हैं हाथों पे यार। बेकिंग में इतनी दफा वो हो जाता है, यहाँ पर हमेशा निशान होता है। सो ऑप्शंस हैं आपके पास, हल्दी प्लस कोई क्रीम, हल्दी प्लस कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम या तेल और नमक आया है। नमक तो जख्मों पे नमक। हाँ। तेल देखो, तेल तो सुना है कि तेल जैसे ही उसी वक्त ही आप लगा लो बगैर उस तरफ से हल्दी और इस तरफ से तेल सही लग रहा है। हाँ। दोनों से मिक्सचर ले लो। हाँ। नहीं तेल या फिर कहते हैं टूथपेस्ट भी अच्छा होता है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट वो सूदिंग देता है, छाला तेल से ये कि छाला नहीं पड़ता, ये तो मुझे पता है कि जैसे ठंडक पड़ जाती है टूथपेस्ट से भी, तो नमक मुझे नहीं पता, तो दिखाएं जरा एक्सपर्ट से, पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। खाना बनाने से अगर आपके ब्राउन निशानात आ गए, चाहे वो जलने के ही क्यों ना हो, आपने क्या करना है, घर में कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो और थोड़ा सा नमक, उनको मिक्स करके वहाँ लगाना शुरू कर दें। और खुदा ना खास्ता आप मतलब कुछ बनाते हुए भी अगर आपके हाथ पे छींटे पड़ जाते हैं जिससे जलन होती है, उस पर भी ये कीजिए, तो आप देखेंगे कि इंस्टेंट आपको जलने का तो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, और जो निशानात है वो भी आस्ते आस्ते इस टिप से जो ना खत्म हो जाएंगे। तेल का तो खैर हाँ, कि फौरन से लगा लो, जलन भी होती है ना जब एकदम कुछ जल जाए, तेल वो क्या कहते हैं उसे, आग से कुछ जल जाए, हाथ लग जाए, जलन भी बड़ी होती है, ठहर कर सेंसेशन आती है जलन की, अच्छा ये जल गया। जी नेक्स्ट सवाल, गोभी और माश की दाल या चने की दाल भी भाई, से पैदा होने वाली गैस से कैसे बचा जाए, बादी होती है ये। हाँ। भूसी प्लस गाजर प्लस सौंफ इस्तेमाल करके, या सौंफ कलौंजी या सफेद जीरा इस्तेमाल करके। मुझे तो लगता है भूसी गाजर और सौंफ का इस्तेमाल करके, क्योंकि कलौंजी समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ इसमें मुझे भी नहीं आ रही। सौंफ तो बेस्ट है, सौंफ तो सौंफ दोनों में है ना, दोनों में सौंफ, भूसी भी फाइबर होता है। हाँ लेकिन सौंफ कलौंजी सफेद जीरा भी अच्छा है, बगार में डाल लो भूसी और सौंफ और गाजर। तुम लोगों के घर का क्या टोटका है गैस का? हम लोग तो मुझे याद है वो डेरी लेकर आते थे कार्मिनेटिव मिक्सचर, रेड कलर जो बच्चों को पिलाते थे ना। हाँ, वो भी तो सौंफ का पानी होता है। नहीं नहीं, कार्मिनेटिव मिक्सचर सौंफ का पानी नहीं होता, वो रेड कलर की ग्राइव वाटर होता है, वो ग्राइव कार्मिनेटिव मिक्सचर जो है उसके अंदर सौंफ भी होता है। मैंने देखा था बच्चों का चखे की क्या होता है इसमें, तो जब मैंने चखा ना तो मुझे सौंफ का फ्लेवर आया, डकारे उससे रेडिश पिंकिश, कहीं रेड होता है कहीं पिंक होता है, मुझे बच्चों वाला याद है वो पिंक होता था। अच्छा हाँ, बच्चों वाला पिंक क्या करती थी, पुदीना ये सौंफ और एक और कोई चीज होती थी, छोटी इलायची बड़ी इलायची कोई जीरा, जीरा पानी बना के चाय इसकी बना के उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दे। बिल्कुल। और जब ऐसा कुछ होता था ये लो पी लो। हाँ। ये लो पी लो जीरे वाला पानी। हाँ। ये है ना सौंफ कलौंजी। तो देखिए अब हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अक्सर घरों में गोभी खाई जाती है, माश की दाल खाई जाती है, तूर दाल खाई जाती है, तो इससे क्या होता है कि पेट में गैसेस बनती हैं और हम बड़े बेचैन से हो जाते हैं कि हम क्या करें, खा तो लिया, बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ भी पी रहे होते हैं, कोई अफाका हो नहीं रहा होता, तो आपकी इसके लिए एक पाउडर बना के रख दें, वो आपको बहुत काम आएगा। उसमें आपने सौंफ ऐड करनी है, उसके अंदर आपने कलौंजी ऐड करनी है, और इसके अंदर वाइट ज़ीरा और काला नमक थोड़ा सा, आपने इसका पाउडर बनाए और खाना खाने के बाद आप इसको चाट लें हल्का सा, एक बिल्कुल चुटकी दो चुटकी आपने इसको चाट लेना है, इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये अभी प्रॉब्लम अभी आपको रमजान में बहुत होने वाले हैं, तो ये वक्त सही वक्त है, बना के रख ले, ये चटा लीजिए जो भी, क्योंकि बुजुर्ग भी नहीं सुनते, उनको भी जब सब पक रहा होता है तो उनको भी चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है नहीं खाना नहीं इजाजत, तो फिर ये पक्की बना के रखें, अच्छा है, बहुत जरूरी, पक्की पक्की जी। हाँ, आगे पक्की बोलते हैं। हाँ सही बोला। मेकअप करवाने के बाद भी अगर आपकी स्किन टोन टू टोन स्किन ना छुपे तो इसका हल क्या करना चाहिए, मसूर की दाल प्लस दही, क्या या चने की दाल प्लस
चावल का पानी क्या करे? क्या है ये, तुम लोग क्या करवा रहे हो? टू टोन के बेस से भी ना हटे। देखो जैसे अक्सर होता है ना, बहुत हमारी टू टोन स्किन हो जाती है, जैसे मैं भी जब सोती नहीं हूँ तो मेरी ये स्किन अलग होती है, ये स्किन अलग होती है, और ये गाल जो है वो साफ सुथरे होते हैं। अब मुंह धो लो, अगर मैं सोना तो मेरे साथ ही हो जाता है, सही है, क्योंकि मैं तो धूप में इतना नहीं निकलती, लेकिन जो लोग धूप में निकलते हैं उनकी छाइयां पड़ जाती हैं, कलर्स, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी तो ये वाला कलर और ये वाला कलर अलग हो जाता है। मेकअप करवाने के बाद तो यानी मेकअप ठीक नहीं किया हुआ? मैं बताऊं, जैसे अब अगर मैं कंसील कर रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ मेरा छुप जाएगा, मेरा इतना ज्यादा नहीं है, कुछ खवातीन के इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मेकअप से भी खत्म, से भी कंसीलर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि कहां से कैसे छुपाना है, ग्रे हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ग्रे हो जाता है, बहुत ऑब्वियस है कि मेकअप करने के बाद भी नजर आ रहा है, तो उनकी स्किन के लिए, टू टोन स्किन के लिए क्या करें? आप लोग क्या करते हैं वैसे टू टोन स्किन के लिए? दही, दही, दही बेस्ट है, हाँ, वैसे दही अच्छा है, या फिर स्क्रबिंग वगैरह करें, और अगर ज्यादा चाहिए तो मैं तो कहूँ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें और प्रॉपर उसका टू टोन स्किन। लेकिन ये चीज होती है जैसे दही वगैरह, ये अगर फायदा नहीं देती तो आपको नुकसान भी देगा। हाँ, दाल है, दही है, दही तो खा भी ले, खा भी ले, बहुत अच्छा है, दही तो मस्त है, डेली खाएं, नाश्ते में नाश्ते में हम गलत वक्त पे दही खाते हैं, रात शाम रात रात में नहीं खानी चाहिए, रात में नहीं खानी चाहिए, सुबह या दोपहर, मेरा तो रात का खाना ही होता 5-6 बजे, तो फिर मैं खा सकती हूँ, खा सकती हूँ, सूरज की रोशनी दिखाएं भाई, हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर मेकअप आपने जहाँ से कराया और उन्होंने आपके डबल टोन स्किन को नहीं छुपाया तो आपको मेकअप आर्टिस्ट को चेंज करना चाहिए, नंबर वन टिप। नंबर टू टिप ये है कि इसका आप पहले से इलाज करें, इंटरनल इलाज करें, हरी सब्जियाँ खाएं, लाल चीज़ें खाएं, ऑरेंजेस खाएं, और जो है ना नींबू पानी पिए। और एक्सटर्नली मैं आपको बहुत बेहतरीन टिप बता रही हूँ, आपने मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल को पीस कर पाउडर बना लेना है, उसमें से लेना है 1 चम्मच 2 चम्मच आपने लेना है दही, दोनों को मिक्स करके आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको जो है अच्छी तरीके से चेहरे पर लगाएं, लगाने के बाद आधे घंटे के बाद आप उसको सिर्फ पोंछ लीजिए, वो जो चीज़ें लग गई बाकी चीज़ों को आप साफ़ कर लीजिए, रात भर सुबह उठ के चेहरे को धो लीजिए, इसी तरह आप हफ्ते में 3 बार कीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को मेकअप से छुपाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये देखो। एक और चीज मुझे जब ये बता रही थी तो याद आया, मैं क्या करती थी, खीरा, टमाटर और नींबू इसका पेस्ट बना के ना, तो वो आइस ट्रे क्यूब्स में लगा दिया, निकाला, एक थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लिया, दिन में अपने काम कर लिए, बाद में आप फेस वॉश कर लें, वो खुद ही ड्राई हो जाता है, उसे बहुत अच्छी ग्लो आती है और इवन टोन आती है, बहुत जबरदस्त। टमाटर, खीरा और नींबू से वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं घर पहुंचूंगी ना, जब इस तरह के शोज करके जाती हूँ तो मेरी जो खाना पका, वो जो लड़कियां ना 24 घंटे वाली, वो उन्होंने मुंह पे कुछ ना कुछ लगाया होता है, वो देखकर प्रोग्राम, और पहुंचू तो कुछ मास्क लगा होगा, मैं ये क्या हुआ, डर जाती हूँ। आपने तो बताया बाजी, भाई मैं अप्लाई करूँ ना करूँ, तुम लोग उन्होंने करना, अच्छी बात है ना, वही तो जी। नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट सवाल, छोटे बच्चों की मालिश किस तेल से करनी चाहिए, जैतून या जैतून सरसों के तेल या बादाम का तेल? जैतून, बेस्ट। मैं तो छोटे, मैं इसकी कायल हूँ, मैंने माशाल्लाह 3 बच्चों की मालिश की है, मैं जैतून के तेल से करती थी, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ एक बच्चे को कलर जैतून के तेल की वजह से दाने निकलना शुरू, गर्मियों की पैदावार था तो वो उसकी वजह से, फिर मैंने बेबी ऑयल पे शिफ्ट कर दिया। बेबी ऑयल तो खैर, बेबी ऑयल जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे बड़ा बेटा मेरा था तो उसकी मैंने जैतून के तेल से की, तो हड्डियां मजबूत होती है जैतून के तेल से। आप लोगों को क्या लगता है? जैतून का तेल, मुझे भी ऑलिव ऑयल, जैतून भी देखिए बेहतरीन है, और सरसों का तेल, सरसों असली हो तो बेस्ट, अच्छा कर जाता है। लेकिन जैसे लाइक मैं अगर मैं पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो जैतून जो है अगर हम खुद भी अपनी, मैं भी अपनी मसाज जो है जैतून के तेल से कराती हूँ, उससे मुझे बाकायदा फील होता है, नहीं एक स्ट्रेंथ, मेरी हड्डियों तक जैसे लगता है कि मेरी वो ताकतवर हो। वैसे तो बड़ों के लिए तो बादाम का तेल भी बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्यूटी के लिए, ब्यूटी के लिए, स्ट्रेंथ की बात करी ना, जैतून कि आप एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं तो आपको मसल और ये बाकी सारी तोड़ फोड़ हो रही है, तो जैतून का तेल आपको स्ट्रेंथ देता है, बिल्कुल। सो अगर आपके बच्चों की स्किन सेंसिटिव है और अलाइयां और दाने और ये सब चीजें हो रही है, तो जैतून इज गरम, हाँ,
तो फिर आप बेबी ऑयल पर चले जाएं जो जॉनसन एंड जॉनसन या कोई भी ऐसी ब्रांड है, बेबी ऑयल ले लें, सेंसिटिव है क्योंकि, लेकिन मसाज बहुत अच्छा है। कम अज कम 10 महीने तक आप अपने जो क्या कहते हैं वो इन्फेंट बच्चे हैं उनकी मसाजेस करें, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। देखिए हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम मालिश करते हैं, माएँ मालिश करती हैं, घर के बड़े मालिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कौन से ऑयल से मालिश करें कि जो बच्चों की स्किन भी सही रहे, उनको दाने भी ना निकले, बच्चे भी एक्टिव रहें। तो आपने इसमें सरसों का ऑयल या जैतून का ऑयल इस्तेमाल करना है, उससे मालिश करनी है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे हम भी बड़े एक्सपर्ट्स निकले। एक्चुअली हम लोग इतने शो होस्ट कर चुके हैं एक्सपर्ट्स के साथ, उन बातें सुन सुन के कानों में पढ़ पढ़ के भी आपको बहुत याद हो जाती है, याद हो जाती है। मेरी अम्मी भी हर जब बैठो ना उनसे एक चीज पूछ लो उनको सब चार चीजें पता होती सारा। मेरी अम्मी को भी बहुत नॉलेज हो गई थी, वो तो पढ़ भी रही थी। घरों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं ना ये सारे टोटके, तो घरेलू टोटके हैं सब, कर ही रहे होते हैं सारे। नहीं, अम्मी ने ना ऑनलाइन हर्बल का कोर्स कर लिया था, उन्होंने तो घर में इतने प्लांट लगा लिए, पान देती थी घर से। वही तो हमारे पास भी, अब मेरी अम्मी के जाने के बाद मेरा मियाँ वैसा है। अच्छा, मतलब मुझे घर में घुसने के लिए एक छोटी सी जगह मिल रही होती है, क्योंकि हर तरफ प्लांट प्लांट यहाँ भी पत्ते लग रहे होते हैं, यहाँ भी पत्ते लग, उसका बस नहीं चलता, पता नहीं कहाँ कहाँ पौधे लगा। अगर उसको कुछ कराची में कुछ पॉलिटिक्स में कोई जगह मिल जाए ना, तो कराची में पैर रखने की जगह ना, पौधे ही पौधे, ग्रीन अच्छी बात है। जी नेक्स्ट सवाल, अगर आप चाहते हैं कि आप के बच्चे की जहानत यानी मेमोरी तेज हो जाए, जहानत तेज क्या मतलब, मेमोरी तेज हो तो ज़हीन हो जाए, शार्प हो जाए, हाँ ज़हीन हो जाए, ये उर्दू गलत है ना ये, तो खाने में किस एक चीज को शामिल कर रखना चाहिए, सात बादाम प्लस सात तुलसी के पत्ते प्लस या अखरोट और इंजीर भी बेस्ट है, अखरोट सबके लिए है, अखरोट भी है, लेकिन ये इंजीर से बहुत सारे फायदे हैं। जो हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन इंजीर भी बहुत फायदेमंद चीज है, वो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी। बादाम जहानत तेज करने का तो ये एक है पुराना हमारा, बादाम तो आप भिगो दे और सुबह खा ले, वो तो कितना पुराना जमाना चला आ रहा है। अब तो मजाक में भी होता है, अच्छा भूल गई बादाम का। बादाम अखरोट का ये है कि अखरोट की अगर आप शेप देखें ना, तो उसका जो पूरा टेक्सचर और वो तो है ही दिमाग जैसा, तो दिमाग जैसा, तो वो दिमाग के लिए कहते हैं अच्छा है। जो चीज जो फल जो शेप की है वो उस जगह के लिए, अल्लाह की तरफ से, मुझे मैं देख रही कोई फल है जो किडनी की तरह है, तो वो किडनी के लिए अच्छा है, किडनी वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए वो मुफीद है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अच्छा, तो क्या लगता है आप लोगों को, बादाम 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 बादाम, ओके जी। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बच्चों की जहानत अगर तेज करना है तो आपने उसको बाजारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देना है, प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं देना है, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का भी ज़माना है, अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आपने बच्चों को क्या करना है, सात बादाम भिगे हुए रात को आप भिगो दीजिए, सुबह उसका जो ऊपर का छिलका है वो उतार दीजिए, और सात पत्ते तुलसी के मिक्स करके देना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तुलसी के पत्ते बच्चों को कैसे खिलाएं, बेज़ल कहते हैं ना, बेज़ल होता है, कड़वे नहीं होंगे, होंगे कड़वे तो होंगे, क्या करें, बच्चों को नॉर्मल खाना खिलाना मुश्किल है, बादाम ही है मुश्किल से खा रहे होते हैं, सिर्फ बादाम से शुरू, फ्राई वाले और नमक वाले खिला दो। मैं तो फिर खिला देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो बादाम जाए ना, कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सवालों के जवाब, मजे का शो था, बहुत सारी चीजें हमें आज सीखने को मिल गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सबको, वालेकुम अस्सलाम। एंड ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और अब रमजान भी आने वाला है, तो कुछ ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बेसिकली पाकिस्तान में जो अलग अलग शहर हैं, गांव हैं, गोट हैं, हमारे प्रोविंसेस हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगी शाइन ह्यूमैनिटी, जो कि एक एनजीओ है
जो कि अंदरून सिंध में सेहत के लिए काम कर रही हैं, मुफ्त इलाज, मुफ्त लेबॉर्ट्री और दवाइयां फराहम कर रही है। तो वहां से शाइन ह्यूमैनिटी से हमारे पास आज जो लोग मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर फरवा असफंदियार, अस्सलाम वालेकुम, एंड हरीम खालिद बेग जो कि उनकी मार्केटिंग एसोसिएट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। 2013 से आप लोगों की एनजीओ है, है ना? जी। असल में 2009 से है। हाँ। शाइन ह्यूमैनिटी जो है ये फाउंड हुई थी 2009 में, कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स ने ये बनाई थी। हाँ। बट जो हमारा पहला सेंटर जो हमने खोला था वो 2013 में खोला था। ओके, अच्छा 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 अच्छा। तो सो ये क्या, अगर मैं इस एनजीओ के बारे में पता करूँ कि जैसे ये जो डॉक्टर्स हैं वो आप कह रही हैं अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने होता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि अमेरिका में जो लोग पाकिस्तान से पढ़ के गए वो उनको होता है कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ करें, और डॉक्टर स्पेशली कितने मेरे जानने वाले हैं जो आते हैं और यहाँ इलाज करते हैं। तो ये एनजीओ पूरी उन्होंने बनाई है? ये एनजीओ इसी तरह बिल्कुल, वो कुछ जेएसएमयू के डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने इस तरीके से जब यहाँ अर्थ क्विक आया उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक एनजीओ खोलते हैं। तो 2013 में उन्होंने पहला सेंटर खोला। अच्छा। जो कि घारो एक जगह है कराची से घंटे की ड्राइव पे, वहाँ पे उनका पहला सेंटर था। अच्छा। जहाँ उन्होंने कहा कि हम सारी सर्विसेज, टेस्ट और मेडिसिन और ये। हाँ। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और अब हमारे 13 सेंटर्स हैं ऑल ओवर सिंध, जो कि मलीर से लेके आगे थर पारकर तक हमारे क्लिनिक्स हैं। तो वहाँ पे फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, सारे जो डायग्नोसिस है, जो कि टेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो सारे फ्री होते हैं। और उसके बाद जो है वो हमने फिर डॉक्टर्स रखे, पहले हमारे 1 डॉक्टर क्लिनिक थे, फिर करते करते हम 2 डॉक्टर क्लिनिक पे आए, और अब तो माशाल्लाह जो घारों में हमारा सेंटर है वो 4 डॉक्टर क्लिनिक है। ठीक है। हाँ जी। और उसमें जो मरीज जाते हैं उनको पैसे वगैरह नहीं देने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मेडिसिन है और सारी सर्विसेज है। क्या सर्विसेज हैं जैसे, फॉर एग्जाम्पल? अच्छा, सर्विसेज बिल्कुल ऐसे बताएगा कि जो देखने वाले लोग हैं उनको पता चले, थोड़ा इस तरह समझाने के अंदाज में। अच्छा, उसमें जो है हमारी एक तो बेसिक हेल्थ केयर सर्विस है, जो पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें नजला है, जुकाम है, बुखार है, जनरल डायरिया है, एक तो हम लोगों को वो होते हैं। एंटीनेटल सर्विसेज जो प्रेग्नेंट खातूनें आती हैं। हाँ। लेकिन उसके अलावा जो है हमारे 10 बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अच्छा। जिसमें एक मैल न्यूट्रिशन का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, वो जो 5 साल से कम बच्चे आते हैं जो भी हमारे क्लिनिक अपने हिसाब से बढ़ नहीं रहे होते, तो वो कमजोर होते हैं, उनके माइलस्टोन्स वो नहीं होते। तो निदा मैं आपसे शेयर करूं कि 2019 का जो डेटा था उसमें पता चला था कि 40% बच्चे जो पाकिस्तान में हैं वो स्टंटेड हैं, और सिंध में ये है 50%। तो स्टंटिंग का मतलब ये नहीं कि उनका सिर्फ हाइट छोटी रहेगी, बट ऑल्सो ये है कि उनकी जो मेंटल जो ग्रोथ है वो भी ऑल्टर होती है इससे। तो जिस मुल्क, जिस सूबे में 50% बच्चा स्टंटेड होगा, तो वहाँ इस प्रोग्राम की कितनी जरूरत है। समझे, आपके ऊपर एक बर्डन ही होगा, बर्डन होगा जब वो आपका मुल्क का बाशिंदा कुछ करने के काबिल ही नहीं होगा जब वो बड़ा हो, ऐसे तो फिर ये तो एक बर्डन ही है ना। ऐसे ही है। तो फिर वो उन बच्चों को हम लोग, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट होती है वो उनको स्क्रीन करती हैं। ऐसे बच्चे जो नहीं आते, जो ऐसी अपनी अम्मी के साथ या किसी के साथ चेक कराने आते, उनको भी हम लोग कहते हैं कि आए इनको स्क्रीनिंग कराएं। हाँ। और फिर उनको हम लोग पैकेट्स देते हैं जो कि एक तरीके का मल्टी वाइटामिन होता है, रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड। उसके अलावा उनकी खाने को कहाँ मिलता है? ऐसे ही है। उसके बाद घर में इतने इतने बच्चे होते हैं और आप इतना सही से बंटवारा नहीं कर सकते खाने का, तो एक ही घर में 3 साल से कम 3 बच्चे होते हैं। ठीक है। Yes. तो वो उनमें ये होता है कि हम उनको पैकेट्स देते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं। इसी तरह हमारा स्कूल गोइंग बच्चों पे एक एनीमिया का प्रोग्राम है, उसमें हम एनीमिया की टेस्टिंग करते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं और मल्टीविटामिन्स, उनको डीवर्मिंग करते हैं उनकी। इसी तरह हमारा डायबिटीज़ की मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। ठीक है। तो डायबिटीज़ की मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं, और हेपेटाइटिस का हमारा पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे है हेपेटाइटिस की प्रेविलेंस में। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक तो हमारा एक घारो कम्युनिटी में हमने स्टार्ट किया कि घर घर जाके हम स्क्रीनिंग करते हैं, और बाकी जितनी भी हमारी क्लिनिक्स हैं उसमें हम लोग स्क्रीन करते हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को। इसी तरह एस्थमा का प्रोग्राम है, रूरल सिंध में कहीं पर भी एस्थमा, हालाँकि वो जो लकड़ियों पर खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेविलेंस हमें पता चला कि काफ़ी प्रेविलेंट है एस्थमा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक स्पायरोमीटर लाया, एक बंदी को ट्रेन कराया कराची से, वो जगह जगह जाती है, लोगों को चेक करती है, और फिर उन्हें इनहेलर्स या जो भी एस्थमा की जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होते हैं उनकी ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो इस तरह हमारे 10 अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं और एक ही हमारे क्लिनिक्स में। कैसे आप लोग इतनी महंगाई के दौर में कैसे मुफ्त इलाज हो रहा है, कहाँ से आपको सपोर्ट मिलती है?
अच्छा, ये एक थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंजिंग है कि सस्टेनेबल जो है वो ऑब्वियसली इसको सस्टेन करना लॉन्गर टाइम के लिए मुश्किल है. एक तो हमारा यूएस से आता है जो हमारे एक फिक्स डोनर्स हैं. पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारे इस मिशन में, जिन्होंने हमारा काम देखा है, जिन्होंने जो हमारे सेंटर्स विजिट कर चुके हैं. लेकिन उसके अलावा हम लोकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं. जैसे हमारा जो मैल न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, TMSG, उसके साथ चल रहा है. इस तरह एनीमिया के लिए हमने मार्टिन डाउ से मेडिसिन की हेल्प ली. मतलब हम कहीं ना कहीं से सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा हेपेटाइटिस का प्रोग्राम चल रहा है और सिंध गवर्नमेंट के साथ ही हमारा EPI का, जिसमें हम वैक्सीनेशन करें. तो अभी हमारा आगे यही है कि डोनेशन से भी ज़्यादा हम डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके और इसको लेके चलें, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन में इसको अगले 10 साल में और क्लिनिक्स खोलना. 13,000 लोगों का इलाज, 13 लाख लोगों का से जायद का इलाज माशाल्लाह हो चुका है. तो आप क्या चाहती हैं जो पब्लिक हमें देख रही है वो किस तरह आप लोगों को सपोर्ट करे? जी, हम यही चाहते हैं कि जैसे रमज़ान भी आ रहे हैं, हम चाहते हैं लोग आके बढ़ के हमें सपोर्ट करें, अपनी डोनेशंस दें, अपनी ज़कात के साथ हमें ट्रस्ट करें. हमारे क्लिनिक्स खुले हैं आपके लिए, आप लोग चाहते हैं आप आए सर्वे करें आके भले. जी, आपको देखना है कि हम किस तरह से सहूलियात प्रोवाइड करें, आप वो आके देखें. आप हमारी वेबसाइट चेक करें, यकीनन आपकी TV पे आ रही होगी, shinehumanity.org है. आप ऑनलाइन डोनेशंस भी दे सकते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको सपोर्ट करें. हमारा यही पैगाम है और हम चाहते हैं कि हमारे जो 13 फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ें. अब वो पूरे पाकिस्तान में हम उसको उस तक उस सर्विस को पहुँचाएँ, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो कोई और प्राइमरी सेंटर हो जहाँ पे प्राइमरी केयर नहीं मिल रही हो. लोग आएँ, डोनेट करें और हमारे साथ. अच्छा, एक दो चीज़ें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी. एक तो हमारे क्लिनिक्स हैं, उसके अलावा हमारे पास मोबाइल अर्जेंट केयर की वैन्स हैं. जैसे जब फ्लड आया था उसके बाद ये एक हम लोगों ने एक जो है मोबाइल अर्जेंट केयर, मतलब बेसिकली क्लिनिक ऑन व्हील्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है. अब वो जगह जगह ऐसी जगहों पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वो हमारे वहाँ पे हमारी वैन्स जाती हैं. वो एक कंटेनर्स के अंदर एक क्लिनिक बना हुआ है. अभी हमने जो है वो एक 40 फुट का कंटेनर जो है 30 फुट का कंटेनर हमने किया, जिसके अंदर 2 डॉक्टर्स हैं और उसी के अंदर लैब्स की सहूलियत भी मौजूद है. मतलब कोई ऐसा गांव जहाँ पे लोगों को बहुत दूर सफ़र करके जाना पड़े, उधर हम कंटेनर 2 दिन के लिए पार्क कर देते हैं वहाँ पे फ्री. और उससे पहले हम लोगों को बताते हैं, कैंप लगता है इसी तरीके से. सोचें एक नॉर्मल जो क्लिनिक हो जहाँ पे वेटिंग एरिया हो, क्लिनिक हो, कोई हो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ले रहा हो, आपको दवाएं दे, शायद आपको लैब फैसिलिटी भी चाहिए हो, उस सबको आप एक 30 फुट की जगह में बिठा दें और वो हम फिर गांव-गांव जाते हैं. हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटी हमें फिर ट्रस्ट करती है कि अच्छा ये सही सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो आते भी हैं. वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी हम जाते हैं, गांव टू गांव जाते हैं और इस तरह से हमारा काम चल रहा है. अच्छा, एक और चीज़ हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है कि हमारा एक डिजिटल सिस्टम है EMR, जो कि रूरल सिंध में और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है. कि जो पेशेंट हमारे पास आता है वो हमारे EMR में रजिस्टर हो जाता है. सारी क्लिनिक्स पेपरलेस हैं, कोई पर्ची नहीं बनानी, कुछ नहीं करना. पेशेंट आया, उसका एक दफ़ा MR नंबर, उसको एक कार्ड मिल गया, उसके बाद जितना कुछ भी वो करता रहता है, कराची से बैठ के मैं मॉनिटर कर सकती हूँ अभी इस वक्त के थरपारकर में के क्लिनिक में कितने पेशेंट्स आए हैं, डॉक्टर्स ने कितने पेशेंट्स देखे और उन पेशेंट्स को क्या क्या बीमारियाँ थी. इस तरीके से हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है. उससे एक तो पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है कि हमें पता होता है कि डॉक्टर्स कितने सेंसिटिविटी के साथ पेशेंट्स देख रहे हैं कि नहीं. लेकिन उसके अलावा ये होता है कि हम उस डेटा को फर्दर पाकिस्तान की जर्नल्स में भी और इंटरनेशनली भी हम एब्स्ट्रैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं और उस पर हम बताते हैं कि ये बीमारियाँ हमारे मुल्क में कितनी प्रेवेलेंट हैं और इस तरीके का. तो हमारे पास एक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है हमारे सारे क्लिनिक्स में. थैंक यू सो मच कि आप लोग पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी सारे जिन लोगों का दिमाग है इस NGO को, शाइन जिसका नाम है SHINE, ह्यूमैनिटी का बेसिकली समझे ना, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए होते हैं ना, फरिश्ते होते हैं कुछ. सो वो उन लोगों का दिमाग है और पाकिस्तान के लिए वो सोच रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के. सो इन्हीं लोगों की वजह से शायद हमारा मुल्क चल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. सस्टेन रहे आपकी NGO और इसी तरह अच्छा काम करते रहे. थैंक यू सो मच जी. तो वैसे आज हमने भी थोड़ा सा अच्छा काम किया, आपके जो बहुत मुश्किलात थे उनके सवालों के जवाब दिए. इसी तरह देखते रहिए हमारा शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. दुआ में याद रखिए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Yes.
all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out.